प्रश्न संख्या 4 से 6 में देखिए, चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथे प्रश्न में दिया है हार्ड सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट, हॉट कोल्ड, राइट रॉन्ग, ये सारे क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, जबकि कम एंड अराइव ये अपोजिट नहीं है। तो डी आपका सही उत्तर हो गया चौथे प्रश्न का। ठीक है, आगे पांचवें प्रश्न में देखें कि पांचवें प्रश्न में ऑप्शन ए दिया हुआ है ए जी। ए जी, ए का स्थानीय मान होता है 1 और जी का होता है 7, दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा 8। डब्लू ए, डब्लू होता है 23 और ए होता है 1, यानी कितना आ जाएगा 24। और ई टी, ई होता है 5, टी होता है 20, 25। और आई क्यू, आई होता है 9 और क्यू होता है 17, 17, 9, 26। कुल मिला के आप क्या देख रहे हैं कि केवल एक विषम है, यानी जो सी ऑप्शन है ई टी, इसका योग विषम है। तो आपका उत्तर क्या होगा सी। आगे अगला प्रश्न देखें, 14, 12, यह है छठा प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 में 14, 12 ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है 24, 7, ऑप्शन सी में दिया है 42, 4 और ऑप्शन डी में दिया है 34, 7। सब में चीजें 14 × 12 अगर हम करें, 14 × 12 करें अगर, 14 × 12 तो 168 आता है। ठीक है, ऑप्शन बी को देख लें, ऑप्शन बी में दिया है 24, 7, 24 में 7 का गुणा करें तब भी 168 आता है। ठीक है, और 42, 4 दिया है ऑप्शन सी में, 42 में 4 का गुणा करेंगे अगर तो 4 × 8, 4 × 16 तब भी 168 आता है। और डी दिया है 37, 4, 37 में 4 का गुणा करके देखें तो कितना आएगा 7 × 28 = 8, हासिल लगा 2, और 3 × 12 और 2 = 14, 148 आता है, 148 आता है। अर्थात कौन सा उत्तर सही हुआ आपका, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है।